मुख्यमंत्री के दरबार में टीचर का अपमान। सीएम त्रिवेंद्र ने किया टीचर को अपमानित, सस्पेंड करते हुए सुनाया कस्टडी का फरमान। सीएम को नहीं दिखा पीड़ित टीचर का दुख। सीएम त्रिवेंद्र की जनता दरबार में लगभग 150 लोगों की भीड़ थी। एक महिला टीचर ने जैसे ही मुख्यमंत्री से अपनी समस्या बताई, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भड़क गए। शिक्षिका ने अपने पति की मौत के बाद बच्चों की देखरेख की बात कहते हुए देहरादून ट्रांसफर करने की मांग की थी। फिर क्या था, सीएम साहब भड़क गए और टीचर को सस्पेंड करने का फरमान जारी कर दिया। आप भी सुनिए सीएम त्रिवेंद्र ने महिला से क्या कहा। बोलिए, मैं सस्पेंड कर दूंगा अभी यहीं पर। श्री नारायण सिंह चौहान जी, अभी सस्पेंड हो जाओगी। माइक ले लो ना। एक मिनट सुनिए, अरे सस्पेंड हो जाओगे अभी, बता दिया मैंने तुमको। इसको सस्पेंड कर दीजिए, इसको ठीक है, इनके चिट्ठे लो, सस्पेंड करो इसको आज ही। ले जाओ चोर के पास, चोर उछक के कहीं के अंदर रखो, जाओ इसको ले जाओ कस्टडी में, इसको जाइए इसको कस्टडी में लीजिए इसको। हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ लोग घुस जाते हैं, एकाध कोई ऐसा हो ही जाता है, कोई ऐसी खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए। महिला टीचर के पति की 2 साल पहले मौत हो गई थी। महिला अपनी परेशानी सुनाने के लिए सीएम के पास पहुंची थी, लेकिन फरियाद सुनने के बजाय मुख्यमंत्री ने उसे जमकर डांटा। सीएम की डांट से परेशान टीचर भी फूट फूट कर रोई। भाव हमारा दिल हृदय बहुत कोमल है, हम लड़ना भिड़ना नहीं आता है हमें, लेकिन जब मजबूरी बस लड़ना पड़ता है तो दिल भी रोता है। मेरे पति को गुजरे में 3 साल हो गए और मैं एक पल नहीं भूल पा रही हूँ कि सरकार के कारण मेरे पति की जो स्थिति हुई, मेरे पति को जिस तरह की जीवन जीना पड़ा, एक मनुष्य हो के उनकी जो दुर्दशा हुई, मैं ये कभी नहीं भुला सकती हूँ। और उत्तराखंड को मैं इसकी सजा जरूर दूंगी, इसका अभिशाप उत्तराखंड को जरूर भोगना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के ऐसे तेवर से लोगों में भी काफी रोष है। समाज सेवियों समेत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी कड़ी आलोचना की है। बड़े भाई के तौर पे भी कोई मुझसे सलाह देने की बात कहेगा तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप उस महिला को तो फौरन पुलिस से कहिए कि उसको रिहा करें और सस्पेंशन उसका वापस लिया जाए और उसको उचित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए जो उसका हक बनता है, और इस कार्रवाई के बाद फिर उसके व्यवहार के लिए वो या तो माफ़ी मांगे या उसको फिर उस व्यवहार के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। आखिर मुख्यमंत्री राज्य का सर्वोच्च व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति आकर के ये कह दे, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसने भी मुझे तकलीफ पहुंचाई, मगर पहले सबसे पहले महिला पीड़ित के रूप में आई है, उसके दर्द को समझना बहुत आवश्यक है। जनता की अपेक्षाएं भी उतनी ही ज्यादा बड़ी हैं जिस हिसाब से जनता ने सरकार को मैंडेट दिया है, तो जनता यही चाहती है कि 18 वर्ष से जो एक्ट नहीं बन पाया वो बने, बना है एक्ट, लेकिन प्रभावी रूप से एक विधवा, विकलांग, जो परित्यागा हैं और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के 20-25 साल अति दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में दे दिए हैं, वो चाहते हैं कि नियम अनुसार उनके तबादले जो हैं वो सुगम और मैदानी इलाकों में हो। महिला की खता सिर्फ इतनी थी कि उसने बच्चों की खातिर दून में तबादले की गुहार लगाई थी। पति की मौत के बाद 2 साल से तबादले की फरियाद कर रही थी ये महिला, लेकिन सीएम के तेवरों से ऐसा लगा कि उसने फरियाद नहीं सीएम साहब की शान में गुस्ताखी कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और इस वक्त किशोर उपाध्याय उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे और लंबे समय से कांग्रेस के नेता हैं। आपका किशोर जी बहुत स्वागत है भारत समाचार में। ये क्या मुख्यमंत्री को जनता दरबार में ऐसा कहना चाहिए था, इस तरह से उन्हें विहेप करना चाहिए था, कस्टडी में उन्होंने लेने के लिए कहा और डाटा भी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। नहीं राहुल जी, ये हम सब के लिए बहुत ही दुख का विषय है। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के साथ साथ उत्तराखंड राज्य आंदोलन का बुनियादी सिपाही भी रहा हूँ और मुझे बहुत कष्ट हुआ है, और ये जिस तरह की मानसिकता बन रही है जी, तब चाहे वो जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान से लेकर के और प्रधानमंत्री जी तक, हम सब लोगों के बीच में जाकर के वोट मांगते,
और अगर हम वोट मांगते हैं तो भिखारी कभी जो है इस तरह का अहम और दर्द नहीं कर सकता है। मांगने वाला कभी जो है उसका हाथ जो है वो ऊपर नहीं हो सकता है, ना सिर जो है वो उसको झुक करके चलना पड़ता है, और लोग इस बात को भूल जाते हैं। कल ये मेरे विचार से उत्तराखंड की राजनीति पर कल का जो ये एपिसोड है, जो घटनाक्रम है, वो एक कलंक है। कलंक है, बिल्कुल ठीक किशोर जी, ये तो नैतिकता की बात हो गई, लेकिन क्या मुख्यमंत्री बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के सीधे किसी को कह सकते हैं कि सस्पेंड कीजिए इसे, ये कैसे कह सकते हैं? उसके खिलाफ कोई कंप्लेन आई थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। ये देखिए, इन्होंने जो ये एक तो ये जो परिकल्पना है जनता दरबार, ये फ्यूडल सिस्टम है दरबारों का। आप ये कह सकते हैं कि हम लोगों के बीच में जाएंगे या मुलाकात करेंगे। दरबार क्या होता है? जनता दरबार। आप कोई राजा थोड़ी है कि दरबार लगाएंगे। अब या तो दरबार मत लगाइए, जनता से मत मिलिए। और भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि ये सुझाव पहले मेरा था जब हमारी सरकार थी, कि मंत्रियों को वहां बैठ करके लोगों से मिलना चाहिए, हम उसको कार्यान्वित नहीं कर पाए। पहले भी एक व्यक्ति आया, बहुत परेशान था, व्यवसायी था, मंत्री जी के सामने उन्होंने जहर खाया और उनकी